वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। कबीर दास जी के दोहों से हमें अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। उन्होंने मीठी वाणी पर अनेक प्रकार के दोहे लिखे हैं, तो उन्हीं दोहों को मैं चुन चुन कर आपके लिए लाती हूँ, ताकि हम उनके दोहों से अनेक प्रकार की शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुगम और सहज बना सकते हैं। कबीर दास जी का दोहा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। यानी शब्दों के हाथ और पाँव नहीं होते, लेकिन वे हमारे मन पे गहरा असर डालते हैं। जैसे यदि मीठे शब्द होंगे तो वो हमारे जीवन में मधुरता घोल देते हैं, हमारे रिश्तों में प्यार और मिठास घोल देते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मन पर गहरे घाव कर देते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, तलवार के घाव कुछ दिनों में भर जाते हैं, लेकिन यदि शब्दों के घाव हैं तो वे जन्म भर नहीं भरते। इसलिए हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी आंखें खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन यदि आपकी जुबां खूबसूरत है तो दुनिया को आप अच्छे लगेंगे। इसलिए हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें बोलते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द शायद मेरी जिंदगी का आखिरी शब्द हो। यदि हम शब्दों का प्रयोग गलत ढंग से करते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है। हमें शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे सुनने वाला भी खुश हो जाए और हमारी बात भी कही जाए। लोग अक्सर कहते हैं सत्य कड़वा होता है। सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है, बस हमारे बोलने का जो ढंग है वह कड़वा होता है। अब मैं यदि आपसे कहती हूँ कि सूरज पूरब से उगता है, तो इसमें क्या कड़वापन है? मैं आपको इससे संबंधित एक कहानी बताती हूँ। एक बार राजा अकबर ने अपना हाथ किसी ज्योतिषी को दिखाया और ज्योतिषी से पूछा, बताओ मेरी उम्र क्या है? तो ज्योतिषी ने हाथ देखा और बड़ा सीना तान के उनसे बोला, महाराज आपकी उम्र आपके खानदान में सबसे ज्यादा है। यानी आप अपनी आंखों से अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी बीवी को, अपने सारे परिवार को मरता हुआ देखेंगे। यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत क्रोधित हो गए और उसे जेल में डाल दिया। राजा अकबर का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने नए ज्योतिषी को बुलाया। जैसे ही नए ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा तो उसने कहा, वाह महाराज वाह, आपके हाथ में तो दीर्घायु होने की रेखा है। यानी आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र भोगेंगे और ऐसी रेखा तो पुण्य आत्माओं के हाथ में होती है। आप संसार में सबसे यशस्वी होंगे, दीर्घायु होंगे। यह बात सुन के राजा अकबर प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी। तो देखा बच्चों, एक ज्योतिषी ने उनको ये बोला कि आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र भोग कर जाएंगे और अपने पोतों को, अपने बेटों को, अपने पड़पोतों को, सबको मरते हुए देखेंगे। और वही दूसरे ज्योतिषी ने उनको बोला कि आप दीर्घायु हैं। कहने का मतलब दोनों का सेम ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो हम अच्छी बात को भी यदि गलत ढंग से बोलेंगे तो उसे लोग गलत ही लेंगे। तो देखा बच्चों, यदि हम किसी को भी शब्दों के बाणों से घायल किए बिना अपनी बात कहते हैं तो वह हमारी प्रगति है, और यदि हम किसी को घायल करते हैं तो वह हमारी प्रगति नहीं है। यानी हम जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हम कितनों को अपनी जुबान से अपना बना सकें। यदि हम गलत
और गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम किसी के दिल से उतर सकते हैं। लेकिन यदि हम अच्छे और मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम किसी के दिल में उतर सकते हैं। यानी यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह इंसान हमारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, लेकिन यदि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए हमारे अच्छे शब्दों को अपनी दिल की तिजोरी में रखेगा और हमें बार बार याद करेगा। मेरे पड़ोस में एक पति पत्नी थे, वे अक्सर झगड़ा करते थे। एक बार उनके पति देव ने मुझसे सलाह की और पूछा कि हम लोगों का बात बात पे झगड़ा हो जाता है, मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती, हर बात को अनसुना कर देती है। मैंने कहा देखिए भाई साहब, हर पत्नी की एक ही डिमांड होती है, वो होती है अटेंशन। हर पत्नी आपसे अटेंशन चाहती है। यदि उसको अटेंशन नहीं मिलती तो उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है और वह एक समय के बाद में आपकी बात को, आपकी हर चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देती है। तो आप जब भी मौका मिले आप उन्हें फुल अटेंशन दीजिए और हाँ, एक प्यारा सा फिल्मी गाना उनके लिए गुनगुना दीजिए। तो पतिदेव ने वही किया। अगली सुबह पत्नी पास से गुजरी, उन्होंने बोला, तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए। पत्नी ने सुना अनसुना कर दिया। उसके बाद में फिर से उन्होंने गुनगुनाया, तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए। और पत्नी इस गाने को सुन के मन ही मन मुस्कुराने से उस पतिदेव समझ गए कि इसके गाने को बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने फिर से गाया, तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए। और फिर क्या था, कृपा आनी शुरू हो गई, यानी बात बन गई। उनके झगड़े 50% कम हो गए और 50% धीरे धीरे इन मधुर गानों को सुनकर अपने आप कम हो जाएंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम मीठी वाणी का प्रयोग करना भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि ये चापलूसी है, एक्चुअली में ये चापलूसी नहीं है। हम किसी के गुणों की प्रशंसा करेंगे, ये चापलूसी नहीं है। हम अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी को कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे, वो चापलूसी है। चापलूसी में और अच्छे शब्दों के प्रयोग में बहुत कम डिफरेंस है। जब गुड़ देने से हमारी बात बन सकती है तो हम जहर क्यों दें? मैं आज आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देती हूँ। आपको इंग्लिश की डिक्शनरी से ऐसे 5 शब्द चुनने हैं जो आपको भी सुनकर अच्छा लगे। जैसे आप अपने काम के लिए क्या क्या सुनना चाहेंगे या आप अपने लिए क्या क्या सुनना चाहेंगे, वो 5 शब्द आपको चुनकर लिखने हैं। जैसे आपको यदि कोई ऑसम कहे, आपको गॉर्जियस कहे, इंटेलिजेंट कहे, ब्रिलियंट कहे, या फिर आपको वेरी गुड कहे, फंटास्टिक कहे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, पहले दिन 5 शब्द ऐसे जो आपके कानों को सुनकर भी अच्छा लगे वो आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करने हैं। फिर अगले दिन उन 5 के साथ और 5 ऐड करने हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपका जो है शब्द भंडार वो बढ़ जाएगा और आपके माइंड को भी आदत पड़ जाएगी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम गंदे शब्दों का चाहकर भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और गंदे शब्दों का प्रयोग करने से लाभ क्या होता है, यदि हम किसी को इडियट कहते हैं, यदि हम किसी को फुलिश कहते हैं, तो इससे हमारा रिलेशन बिगड़ता है और हमें कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन यदि इसकी जगह यदि हम अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा और हमारे खुद के मन को भी अच्छा लगेगा। बस आज इतना ही। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।